जय गुरुदेव। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग माता के कात्यायनी स्वरूप के बारे में जानते हैं और उनकी कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देवर्षि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर बोली, बस जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही देवऋषि ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म जन्म लें। कात्यायन ऋषि की यह बात सुनकर माँ ने उन्हें उनके वर पूरा होने का वरदान दिया और फिर माँ दुर्गा ने देवऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म ली और पिता का नाम कात्यायन होने के कारण, कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता के इसी कात्यायनी रूप की ही उपासना की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता को लाल रंग बेहद प्रिय है, इसलिए माँ का श्रृंगार इस दिन लाल रंग से किया जाता है। माता का कात्यायनी स्वरूप सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माँ की सवारी सिंह है, उनकी चार भुजाएं हैं। माता के दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से, अर्चना करने से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। उनके जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी का गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माता का की पूजा अर्चना का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य हमारे पूरे होते हैं। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।